रिक एंड मोर्टी के चौथे सीजन का नाम है मिसिक्स एंड डिस्ट्रॉय। एपिसोड की शुरुआत एक स्पेस अपोक्लिप्स से होती है। हम देखते हैं कि जेरी, बेथ और समर किसी जोम्बी की तरह रिक और मोर्टी के पीछे भाग रहे हैं। वो तीनों रिक को पकड़ लेते हैं। रिक एक बॉक्स मोर्टी की तरफ फेंक कर उससे कहता है कि उसके पास जो लाल बटन है उसको दबाकर सबको खत्म कर दे। मोर्टी कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रिक उसे बताता है कि ये उसकी फैमिली नहीं है, ये अल्टरनेट रियलिटी से आए क्लोन्स हैं जिन्हें कोई एलियन स्पिरिट कंट्रोल कर रही है और इन्हें मारना जरूरी है। रिक की बातें मोर्टी को समझ में आ जाती हैं और वो लाल बटन दबा देता है। मोर्टी की फैमिली के सारे क्लोन्स उस बॉक्स में कैद हो जाते हैं और रिक मोर्टी को लेकर वापस अपनी रियलिटी में आ जाता है। यहाँ रिक मोर्टी से बताता है कि डिमोनिक एलियन स्पिरिट्स उसके लिए बड़े काम की हैं और अपनी किसी रिसर्च के लिए ही वो इन्हें यहाँ लेकर आया है। लेकिन इस शौक से परेशान मोर्टी उल्टी कर देता है। मोर्टी कहता है कि अब वो रिक की पागलपंतियों में उसका साथ नहीं देगा और अब से वो रिक के साथ नहीं रहेगा। रिक मोर्टी से कहता है कि वो उसे आगे से अपने सभी एडवेंचर्स को लीड करने देगा। ये सुनकर मोर्टी खुश हो जाता है और रिक के साथ ना रहने के अपने फैसले को वापस ले लेता है। तभी वहां बेथ, समर और जेरी भी आते हैं जो रिक से अपने छोटे छोटे कामों के लिए मदद मांगते हैं। रिक पहले तो उनसे इरिटेट होता है लेकिन फिर वो अपने सामान में से एक बॉक्स निकालता है और कहता है कि ये मिसिक्स बॉक्स है। रिक उस बॉक्स का बटन दबाता है और उसमें से एक कैरेक्टर बाहर निकलता है। वो कैरेक्टर कहता है, मैं मिस्टर मिसिक्स हूँ। दरअसल मिस्टर मिसिक्स रिक का बनाया एक कैरेक्टर है जो किसी भी काम में इंसानों की मदद करता है। रिक मिस्टर मिसिक्स से जेरी के का ढक्कन खुलवाता है। मिस्टर मिसिक्स ढक्कन खोलने के बाद फिर से गायब हो जाता है। यानी मिस्टर मिसिक्स अपना काम पूरा करने के बाद अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। रिक मिसिक्स बॉक्स का डब्बा जेरी को देता है और कहता है कि तुम मिसिक्स से अपना काम जरूर कराना, लेकिन ध्यान रखना कि जो काम तुम मिसिक्स से कराओ वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ना हो। इसके बाद मोर्टी अपनी फैमिली को रिक के रूम से बाहर निकाल देता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेरी, बेथ और समर मिसिक्स बॉक्स के चारों तरफ खड़े हैं। जहां बेथ और समर मिसिक्स बॉक्स को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, तो जेरी उनसे सावधानी बरतने को कहता है। लेकिन समर बिना उसकी बात सुने मिसिक्स बॉक्स का बटन दबा देती है और उसमें से एक मिस्टर मिसिक्स आ जाता है। समर उस मिसिक्स से कहती है कि वो अपने स्कूल में पॉपुलर होना चाहती है। जेरी समर से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी बेथ भी मिसिक्स बॉक्स का बटन दबा देती है। बेथ उस मिसिक्स को अपना काम बताती है और दोनों मिस्टर मिसिक्स समर और बेथ को लेकर वहां से चले जाते हैं। जेरी अकेला बचता है और वो सोचता है कि इन लोगों ने ये गलत किया है। लेकिन फिर जेरी भी मिसिक्स बॉक्स का बटन दबा देता है और एक और मिसिक्स आ जाता है। जेरी उससे गोल्फ शॉट्स लगाने में मदद करने को कहता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी कहीं घूमने आए हैं। मोर्टी के हाथ में एक मैप है। रिक उससे कहता है कि मोर्टी उसे कितने बोरिंग एडवेंचर पर लाया है। रिक उससे पूछता है कि वो उसे कहां ले जा रहा है। मोर्टी बताता है कि वो रिक को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जा रहा है। फिर मोर्टी उस इलाके में मौजूद लोगों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। वो उन लोगों से कहता है कि हम दोनों यानी रिक और मोर्टी हीरो हैं। गांव वाले उन दोनों को हीरो समझकर उनसे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि ये गांव बेतहाशा गरीबी से जूझ रहा है और थोड़ी दूर पर एक दानव रहता है जिसके पास बेतहाशा खजाना है। मोर्टी उनकी मदद करने का वादा करता है और फिर रिक से उस दानव के पास चलने को कहता है। दरअसल मोर्टी को लग रहा है कि दानव से खजाना गांव वालों को लाकर देना काफी एडवेंचरस काम होगा। शॉट चेंज होता है और हमें हैरी हर्बसन स्कूल दिखाई देता है जहां मोर्टी और उसकी बहन समर पढ़ते हैं। मिस्टर मिसिक्स अपने वादे के मुताबिक समर को स्कूल में फेमस कर देता है और जैसे ही समर फेमस हो जाती है वो मिस्टर मिसिक्स गायब हो जाता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोर्टी की माँ बेथ अपने मिस्टर मिसिक्स के साथ डेट पर आई है। यहाँ बेथ मिस्टर मिसिक्स से अपने दिल की बात बताती है। बेसिकली वो ये कहती है कि जेरी से शादी करने के बाद वो कहीं ना कहीं नाखुश है। मिस्टर मिसिक्स उसे इशारों में जेरी से डाइवोर्स लेने की सलाह देता है। बेथ थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो मिस्टर मिसिक्स को किस करने वाली होती है लेकिन चूंकि बेथ के मिस्टर मिसिक्स का काम पूरा हो चुका है तो किस से पहले ही वो गायब हो जाता है। शॉट चेंज होता है और अब हमें जेरी और उसका मिस्टर मिसिक्स एक गोल्फ के मैदान में दिखाई देते हैं। जेरी गोल्फ का शॉट मार रहा है लेकिन उससे एक दफा भी गेंद टच नहीं हो पाती।
जेरी का मिस्टर मीसिक्स उसे कुछ टेक्निक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी से फिर भी गेंद टच नहीं होती और वो इरिटेट हो जाता है। वो गोल्फ छोड़कर अपने घर जाने को कहता है, लेकिन इससे अब मिस्टर मीसिक्स इरिटेट हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि मिस्टर मीसिक्स तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर देता। मिस्टर मीसिक्स जेरी से फिर से ट्राई करने को कहता है, लेकिन जेरी नहीं मानता। इरिटेट होकर वो मिस्टर मीसिक्स खुद बॉक्स का बटन दबा देता है और एक और मिस्टर मीसिक्स को बुला लेता है। वो मिस्टर मीसिक्स कहता है कि वो गोल्फ शॉट लगाने में जेरी की हेल्प करेगा। शॉट चेंज होता है और हमें एक इमारत नजर आती है। वो इमारत काफी विशाल है और उसकी दीवारों से लगे पेड़ के सहारे रिक और मोर्टी उस इमारत में घुसने की कोशिश करते हैं और वो दोनों उस इमारत में घुसने में कामयाब भी हो जाते हैं। मोर्टी की प्लानिंग है कि वो यहाँ आकर खजाने को ढूंढेंगे और फिर खजाना लेकर चुपचाप निकल लेंगे, लेकिन तभी इमारत ऐसे हिलने लगती है मानो भूकंप आ रहा हो। दोनों एक जार के पीछे छिप जाते हैं, तभी वहाँ एक विशाल आदमी आता है। रिक मोर्टी से कहता है कि वो अभी भी यहाँ से बिना कोई पंगा लिए अपने घर वापस जा सकते हैं, लेकिन मोर्टी उसे ऐसा करने से रोक देता है। दरअसल ये पहली बार है जब रिक और मोर्टी के साथ के किसी एडवेंचर को मोर्टी लीड कर रहा है और वो इस एडवेंचर को हर हाल में पूरा करना चाहता है। तभी वो दानव इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उस दानव का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसका सिर टेबल के कोने से टकरा जाता है, उसके सिर में गहरी चोट लग जाती है, चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और वो दानव मर जाता है। ठीक उसी वक्त वहाँ उस दानव की पत्नी भी आ जाती है, जिसके हाथों में उनका बच्चा भी है। वो जैसे ही रिक और मोर्टी को देखती है, उसे लगता है कि इन्होंने ही उसके पति को मारा है। वो रिक और मोर्टी को कैद कर लेती है। वो दानव औरत 911 पर अपने मोबाइल से कॉल करती है और बताती है कि उसके पति को दो बोनों ने मार दिया है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस मुजरिमों की तरह उनके फोटो ले रही है। दो ऑफिसर्स उन दोनों से पूछताछ करते हैं। रिक मोर्टी के एडवेंचर का मजाक उड़ाता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेथ और समर बाहर से अपने घर आई हैं, लेकिन वो वहां देखती हैं कि ढेर सारे मिस्टर मीसिक्स वहां मौजूद हैं। दरअसल ये सब जेरी की वजह से यहां आए हैं। ये सब अब भी जेरी को गोल्फ शॉट लगाना सिखा रहे हैं, लेकिन जेरी से अब भी कोई शॉट नहीं लग रहा है। समर और बेथ इस सब को नजरअंदाज करके अपने रूम में चली जाती हैं। जेरी काफी फ्रस्ट्रेट है। मिस्टर मीसिक्स उसे बताते हैं कि वो भी जेरी जितने ही फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि जब तक जेरी गोल्फ शॉट नहीं लगाएगा तब तक वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। जेरी और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो बेथ और समर के पास जाता है और उनसे उनके मीसिक्स के बारे में पूछता है। वो दोनों उसे बताती हैं कि उनका मीसिक्स कब का जा चुका है। जेरी को यकीन नहीं होता। तभी एक मीसिक्स हाथों में गोल्फ स्टिक लिए वहां आता है और जेरी से वापस अपने साथ चलने को कहता है। वो जेरी से कहता है कि कोई भी मीसिक्स इतनी देर तक यहां नहीं रह सकता, ये मीसिक्स के लिए बहुत बुरा होता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी अदालत में हैं। उन पर दानव की हत्या का मुकदमा चल रहा है। जज दोनों को गुनहगार ठहराता है। फिर रिक मोर्टी को उसके इस एडवेंचर के लिए ट्रोल भी करता है। वो मोर्टी से कहता है कि इन लोगों ने उसकी पोर्टल गन भी छीन ली है, अब भला वो घर वापस कैसे जाएंगे। तभी जाइंट दुनिया का एक वकील अदालत में आता है और वो कहता है कि वो रिक और मोर्टी का मुकदमा लड़ेगा। वो वकील अदालत में कुछ ऐसी दलील देता है कि रिक और मोर्टी जेल जाने से बच जाते हैं और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अदालत से बाहर आते ही रिक मोर्टी से कहता है कि उन्हें अब घर वापस जाना चाहिए, लेकिन मोर्टी रिक से कहता है कि वो तभी वापस घर जाएगा जब वो उन गरीब गांव वालों को खजाना लाकर देगा। रिक मोर्टी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेरी के घर पर मीसिक्स की भीड़ लगी है। वो सब परेशान है। जेरी अब भी गोल्फ शॉट मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे अब भी कोई शॉट नहीं लग रहा है। जेरी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वहां उसकी पत्नी बेथ आती है और वो कहती है कि वो खाना खाने बाहर जा रही है। जेरी कहता है कि वो उसे लेकर बाहर जाएगा। ये सुनकर सारे मीसिक्स पैनिक हो जाते हैं। दरअसल मीसिक्स चाहते हैं कि जेरी जल्द से जल्द अपना गोल्फ शॉट लगाए ताकि वो लोग यहाँ से जा सकें। जेरी बेथ से कहता है कि वो बस अभी ये सब निपटाकर उसके पास आ रहा है। बेथ जैसे ही जाती है, जेरी मीसिक्स की भीड़ से कहता है कि उसे फिलहाल अपनी वाइफ को बाहर ले जाना है और वो गोल्फ स्टिक्स मीसिक्स को देकर वहां
यहाँ से चला जाता है। जेरी के जाने के बाद सारे मिसिक्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो सब एक दूसरे को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी दानवों की अदालत की विशाल सीढ़ियों से बड़ी मुश्किल से नीचे उतर रहे हैं। तभी उन्हें एक जगह दिखाई देती है। उस जगह का नाम है थर्स्टी स्टेप। रिक और मोर्टी दोनों थर्स्टी स्टेप के अंदर जाते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी जगह है। यहाँ इंसान नहीं बल्कि एकदम अजीब तरह के जीव हैं। ये जीव एलियन जैसे दिखते हैं। रिक और मोर्टी एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। वहां ये दोनों वेट्रेस से इन सीढ़ियों से नीचे उतरने का कोई आसान रास्ता पूछते हैं। तभी एक जीव वहां आता है और वो कहता है कि वो ये सीढ़ियां उतरने में उनकी मदद करेगा। रिक एक बार फिर से मोर्टी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोर्टी नहीं मानता, बल्कि वो रिक पर गुस्सा हो जाता है। मोर्टी वहां से उठकर चला जाता है और रिक से कहता है कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक उसे इन सीढ़ियों से उतरने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढनी है। अगर रिक कोई तरकीब नहीं ढूंढ सके तो यहाँ से चला जाए। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी मिस्टर मिसिक्स इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की जान लेने लगते हैं। तभी शॉट फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोर्टी बाथरूम में है। वहाँ एक एलियन टाइप का जीव पहले से मौजूद है। उसका नाम मिस्टर जेलीबीन है। मोर्टी और जेलीबीन की आपस में बातचीत होती है। पहले तो मोर्टी को मिस्टर जेलीबीन की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर मिस्टर जेलीबीन मोर्टी के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। मोर्टी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने को चलता है, जेलीबीन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक पूरे मूड में गाना गा रहा है और थर्स्टी स्टेप में मौजूद सभी जीव रिक के गाने को एंजॉय करते हैं। वहीं बाथरूम में मिस्टर जेलीबीन मोर्टी के साथ हाथापाई कर रहा है। शॉट चेंज होता है और दिखाई देता है कि सारे मिस्टर मिसिक्स आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। उधर थर्स्टी स्टेप के बाथरूम में मोर्टी और जेलीबीन के बीच भी हाथापाई चल रही है। मोर्टी किसी तरह जेलीबीन पर काबू पा लेता है और खुद को उससे बचाने के लिए उसे बुरी तरह से पीटता है। दूसरी तरफ एक मिस्टर मिसिक्स कहता है कि सभी मिस्टर मिसिक्स को आपस में लड़ने की बजाय जेरी को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जेरी और बेथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हालांकि बेथ जेरी से खुश नहीं है। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी चारों तरफ भूकंप जैसा आने लगता है। हम देखते हैं कि मिसिक्स की फौज जेरी को ढूंढते हुए वहां आई है। वो जेरी पर अटैक कर देते हैं। बेथ और जेरी वहां से भागते हैं और दोनों एक रूम में जाकर छिप जाते हैं। मिसिक्स जेरी को बाहर बुलाते हैं। जेरी उनसे कहता है कि अगर वो शांत हो जाए तो वो उनकी हर बात मानेगा, लेकिन अब मिसिक्स जेरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। शॉट चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिक एलियंस के साथ कार्ड्स खेल रहा है। रिक एलियंस को कार्ड गेम में हरा भी देता है। तभी वहां मोर्टी आता है। मिस्टर जेलीबीन के साथ हुई फाइट से मोर्टी अभी भी सदमे में है। वो रिक से वापस घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन अब रिक कहता है कि उसे यहाँ मजा आ रहा है और वो ये गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। तभी रिक को अंदाजा हो जाता है कि मोर्टी के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो मोर्टी से कहता है कि उसका एडवेंचर पूरा किए बिना वो दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर रिक मोर्टी को बताता है कि उसने एक एलियन को ये सीढ़ियां उतरवाने के लिए मना लिया है। वो एलियन जीव रिक और मोर्टी को अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें सीढ़ियां उतरवाने चल देता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि मिसिक्स आर्मी ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को गन पॉइंट पर ले लिया है। वो जेरी को धमकाते हैं कि अगर वो बाहर नहीं आया तो मिसिक्स इन सबको जान से मार देंगे। जेरी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन तभी बेथ जेरी का हौसला बढ़ाती है। वो उसे एक गोल्फ शॉट मारने के लिए प्रेरित करती है। मिसिक्स जैसे ही एक औरत को गोली मारने वाला होता है, जेरी उसे आवाज देकर रोक देता है और फिर जेरी एक स्टिक और एक टमाटर से गोल्फ की तरह शॉट लगाता है और इत्तेफाक से इस दफा जेरी ये शॉट लगाने में कामयाब हो जाता है। जेरी के इस शॉट से सबसे ज्यादा खुशी मिसिक्स को मिलती है, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग ये सब देखकर बुरी तरह कंफ्यूज हैं। और चूंकि जेरी अपना शॉट लगाने में कामयाब हो चुका है, तो एक एक करके सारे मिसिक्स वहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन एक मिसिक्स वहां रह जाता है। वो एक औरत को चाकू के बल पर अपने कब्जे में ले लेता है और जेरी से एक छोटा शॉट भी लगाने के लिए कहता है। जेरी एक प्याज को एक कप में स्टिक की मदद से
डाल देता है और इसके बाद वो आखिरी मिसिक्स भी वहां से गायब हो जाता है। इस सबसे बेथ जेरी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि रिक और मोर्टी उस एलियन की सवारी करके उस गांव में वापस आ चुके हैं जहां के लोगों से उन्होंने खजाना लाकर देने का वादा किया था। मोर्टी खजाने की एक थैली एक गांव वाले को दे देता है। सारे गांव वाले रिक और मोर्टी को थैंक्स कहते हैं। गांव की कुछ लड़कियां मोर्टी के गालों पर किस भी करती हैं जिससे मोर्टी काफी खुश हो जाता है। रिक मोर्टी के पास आकर कहता है कि आखिरकार मोर्टी का पहला एडवेंचर सक्सेसफुल रहा। तभी एक गांव वाला रिक और मोर्टी से कहता है कि वो इन दोनों को अपने राजा से मिलाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मोर्टी इनके राजा को देखता है वो उससे मिलने को मना कर देता है और रिक को वहां से लेकर चला जाता है। ये राजा कोई और नहीं बल्कि वही जेलीबीन है जो मोर्टी के साथ गंदी हरकत करता है और जिसकी बढ़िया धुनाई मोर्टी करता है। रिक और मोर्टी जिस पोर्टल से जाते हैं वो एक बार फिर से खुलती है और इस दफा रिक उस जेलीबीन को गोली मार कर मोर्टी का बदला लेता है। पोर्टल फिर से बंद हो जाती है। अगले शॉट में हमें जेरी और बेथ अपने घर में दिखाई देते हैं। जेरी और बेथ अब कूल हैं और दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं है। तभी रिक और मोर्टी वहां आते हैं। रिक पूछता है कि घर की ऐसी हालत कैसे हुई। बेथ रिक को बताती है कि उसने जो मिसिक्स बॉक्स दिया था ये सब उसकी वजह से हुआ है। बेथ रिक से पूछती है कि क्या उसके पास कोई ऐसी मशीन है जो ये सब साफ कर सके। रिक कहता है कि उसके पास एक फ्लीसिक्स बॉक्स है, लेकिन इस दफा जेरी रिक से कहता है कि अब उन्हें कोई और बॉक्स नहीं चाहिए। तब रिक जेरी को बताता है कि फ्लीसिक्स बॉक्स में घर की सफाई करने वाला पोंछा और डिटर्जेंट है और फिर ये सभी जोर से हंसते हैं और यहीं पर रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन का 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है।